टोटल मेरी फर्म का खाता है इसमें, जिसमें 6 लाख रुपए मेरे अभी होली पे पेमेंट में आए हैं। अब अगर मैं केवल 50,000 निकाल पाऊंगा तो किस किस को पैसे बांट लूंगा और कैसे बांट लूंगा? बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें, अपना ही पैसा अपने खाते से निकालने की बेबस और सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की चोरी और ऊपर से सीना चोरी। UBS की रिपोर्ट के बाद भी 3 साल में 2 गुना से भी ज्यादा इस बैंक का शेयर बढ़ गया। इस वक्त यस बैंक लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ, मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बाद पिछली बार दिवाली के दौरान महाराष्ट्र के PMC बैंक की हालात खराब हुए थी और इस बार होली के दौरान यस बैंक अपने बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि दिन के कारोबार के दौरान यस बैंक के शेयर 50% तक गिर गए। हालात इतने खराब हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तक तय कर दी है। यानी बैंक में भले ही आपके लाखों रुपए हों, लेकिन एक निश्चित सीमा जो कि है 50,000 रुपए से अधिक आप नहीं निकाल सकते। फिलहाल ये प्रतिबंध 30 दिनों के लिए लगाया गया है, जो 5 मार्च से शुरू हुआ है और 3 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में ग्राहकों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी भी देखी जा रही है। बहुत से लोग इस डर से ATM भाग रहे हैं कि उनके पैसे न डूब जाएं, तो बहुत से लोग किसी बड़ी जरूरत के कारण बैंक का रुख कर रहे हैं। इसी के चलते हुए यस बैंक के खाता धारकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा यहाँ करेंट का अकाउंट है फर्म का, जिसमें मेरे व्यापारियों ने, मोदी जी कहते हैं कि पक्के में काम करो, हम पक्के में काम करते हैं, कैशलेस करते हैं। टोटल मेरी फर्म का खाता है इसमें, जिसमें 6 लाख रुपए मेरे अभी होली पे पेमेंट में आए हैं। अब अगर मैं केवल 50,000 निकाल पाऊंगा तो किस किस को पैसे बांट लूंगा और कैसे बांट लूंगा? मैंने जो चेक काटे हुए हैं वो चेक भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं मैनेजर से मिला, मैनेजर का कहना यह है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, दिक्कत आ जाएंगी। सर, जो मेरे यहाँ कारीगर है मैं उनको पेमेंट नहीं दे सकता, जिनको मैंने पेमेंट दी हुई है वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरा जो 6 लाख रुपए है वो मुझे कैसे मिलेगा? वो भी करंट का अकाउंट है, करंट के अकाउंट पर तो कुछ छूट देनी चाहिए इन लोगों को। शादी के लिए भी जो TV पे आ रहा है वो ये कह रहा है RBI से जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले दिल्ली जाऊं परमिशन लूं उसके बाद यहां के पैसा निकालूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को उनके पैसे सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है। I want to also assure every depositor that their money shall be safe. Their monies are safe. I want to assure every depositor. I am constantly in touch with Reserve Bank. And the steps that are taken in the interest of the depositors, the bank, and the economy. We are fully seized of the developments. So I repeat, the depositors can be assured that their money is safe. One can always say, has this not been in the air for some time? Couldn't the Reserve Bank have come in earlier? Reserve Bank has gone through the process over and over again to find out an amicable resolution. वित्तीय संकट से जूझ रही यस बैंक को डूबने से बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बढ़कर कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि SBI और LIC यस बैंक में 39% की हिस्सेदारी लेगा। खबर है कि दोनों 24.5% की हिस्सेदारी लेंगे। कोशिश है कि कैसे भी करके भी यस बैंक को बचाया जा सके, ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। यस बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक से प्रति अकाउंट 50,000 रुपए तक की निकासी तय कर दी है। आपका जो 2 सवाल है, हाँ, डिपॉजिटर के प्रोटेक्शन का, उसका जवाब RBI ने भी दिया है, मैंने भी दे दिया कि पैनिक की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक उसमें स्टेक पिकअप करेगा, इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को विधिवत दे दी गई है। चूंकि इन्वेस्टर भी पैनिक पे, मेरा सवाल यह है कि इन्वेस्टर के पैनिक को रोकने अभी देखिए किस लेवल का इन्वेस्टमेंट करे, कंसोर्सियम बना रही वो अभी इतनी, अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं जब तक कि RBI ने क्या बोला कि दे विल कम आउट विद ए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, सो लेट देम कम एंड वंस दैट कम्स देन वी विल टॉक। आई डोंट नो, मुझे उसमें RBI गवर्नर साहब ने क्या बोला,
क्या बोला आप लोग बताए कुछ दिनों में नहीं होना का वेरी शॉर्टली। दूसरा बात है कि SBI को अगर स्टेक स्टेट यस बैंक में लेना है उसका इन प्रिंसिपल का फैसला है, ये जो है हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी दिया आपको भी बता दिया, अब उसके बाद की डिटेलिंग के लिए आपको इंतजार करना। बैंक ने साफ किया है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या आपको अधिक एजुकेशन की फीस देनी है या फिर आपके घर में शादी है तो आप 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सीनियर पत्रकार अनिधो चक्रवर्ती न्यूज क्लिक पर अपने शो में यस बैंक के शेयर में कब कब बदलाव आया और शेयर मार्केट में आज के मौजूदा हालातों पर बात कर रहे हैं। जुलाई 2015 में जब UBS की रिपोर्ट निकली थी तब यस बैंक का शेयर का दाम लगभग 174 रुपए था। मई 2017 में जब हेमेंद्र हजारी ने अपना लेख लिखा उसके बाद भी यस बैंक का शेयर चढ़ता गया और अक्टूबर 2017 तक उसका दाम जाकर 370 रुपए हो गया। सब बातें सामने थी फिर भी स्टॉक मार्केट के गुणी लोग इस बैंक के शेयर में अपना पैसा डालते रहे। अगस्त 2018 तक यस बैंक का शेयर 393 रुपए का हो गया था। सोचिए UBS की रिपोर्ट के बाद भी 3 साल में 2 गुना से भी ज्यादा यस बैंक का शेयर बढ़ गया। इस वक्त यस बैंक लगभग खत्म हो चुका है, शेयर का असली मूल्य 0 है, बिल्कुल 0। द एक्सपोजर ऑफ यस बैंक टू सम ऑफ द वेरी स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स हैज बीन सिंस बिफोर 2014। सिंस बिफोर 2014 आई वुडंट इवन माइंड टेकिंग देयर नेम्स बिकॉज ऑब्वियसली दीस आर पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन। I am not violating anybody, any customer's privacy. Anil Ambani Group, SL Group, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी बल्कि देश के आम आदमी को एक के बाद एक धोखा दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें, अपना ही पैसा अपने खाते से निकालने की बेबसी और सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। मोदी जी आखिर आप इस देश को किस बात की सजा दे रहे हैं? जहां 2015-16 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे, आज आंकड़ों के साथ आए हैं, हम हर बार आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं ताकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार के मंत्री गुमराह करने की चेष्टा करते हैं वो न कर पाए। वर्ष 2015 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे। ये बैंक घपलों का आंकड़ा एक बार स्पष्ट तौर पे सबको समझ लेना चाहिए ताकि बार बार गुमराह न कर सकें ये लोग। इसके अलावा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि ये रोक एक मानक प्रक्रिया है, RBI ने सही कदम उठाया है। ये भारत में ही नहीं बाकी जगह बाकी देशों में भी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हमने उदाहरण दिया था तो उससे ये मॉरेटोरियम डालने की ज़रूरत है और रिजर्व बैंक ने अभी जो किया है काफी सोच समझ के अध्ययन करके किया है। देखिए इस पे काफ़ी अच्छा अध्ययन किया जा रहा है, सारे विकल्प एक्चुअली उसमें सोचे जा रहे हैं, उसका अध्ययन भी किया जा रहा है। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे एक्चुअली सेफ रहेंगे। सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर 6 माह के लिए कई तरह की बैंकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। तब बैंक ने खाताधारकों को 6 महीने में 1,000 रुपए निकालने की अनुमति दी थी। तब भी ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक फैमिली में मैं मेरे
पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, पाई पाई करके मैंने जमा किया था। मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसको, किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, किससे भी पूछ सकते हो। मैं एक कट्टर मोदी पाल हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ। मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री को रिप्लाई नहीं करे, ये प्रधानमंत्री बोलती है कि ये जो है अंडर ऑफ आरबीआई है, ये अंडर ऑफ आरबीआई है। बट आरबीआई से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इतने सालों से आप क्यों बैठे थे 35 साल से बैंक चल रही है। कुछ महीनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों के विलय का ऐलान किया था। पिछले साल सरकार ने अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय करने का निर्णय किया था। The other is the announcement which I had made earlier about amalgamation of public sector banks. In 2017 you had 27 banks. Now there will be 12 banks only. This announcement which we had made sometime in August 2019 involves amalgamating 10 banks into 4. So you have an Oriental Bank of Commerce and United Bank of India getting amalgamated into Punjab National Bank. Then you have Andhra Bank and Corporation Bank getting amalgamated into Union Bank of India. You have Syndicate Bank amalgamated into Canara Bank, because ultimately amalgamations are being done so that customers will reap the benefit of a larger bank, scaled up bank, more fund available for credit and so on. Yes Bank aur PMC Bank ki halaat dekhkar aisa lag raha hai ki bank ab surakshit nahi rahi. Logon ko apni hi mehnat ki kamai ke liye baar baar lineon mein lagna pad raha hai. Bureau report, Punjab Today TV. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.